इमरान खान पर फायरिंग करने वाले हमलावर को रोकने वाले शख्स इब्तिसाम हसन ने कहा है कि हमलावर की फायरिंग से पहले कोई फायरिंग नहीं हुई थी। जब मैंने हमलावर को पकड़ा तो वो एक फायर कर चुका था। प्रोग्राम आज राजीव खान ज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए मजीद बताया कि हमलावर के पास ऑटोगन थी, इसलिए पकड़ने पर सारी गोलियां एक साथ चल गईं। जो बर्स फायर की आवाज़ सुनी गई वो उसी हमलावर की पिस्तौल थी। मेरे साथ खड़ा था आगे तकरीबन 10 फुट के फासले पे, तो उसने पिस्टल निकाला है तो मैं उसकी तरफ जितनी तेजी से हो सकता है गया हूँ, तो तब तक उसने एक फायर कर दिया था ऊपर की तरफ ना पिस्टल का मुंह करके हां साहब की तरफ। तो मैंने उसको दो का पकड़ा, एम उसका हटाया है तो उसका एम हट गया है और जितने उसके बाकी गोलियां थी ना वो नीचे लग गई है जमीन पे। नहीं, कोई फायरिंग नहीं थी, हुई ऐसे ही था बिल्कुल जो मैंने आपको बताया। मेरे सामने खड़ा था, उसने भी अपनी ना कमीज उठा के ना पिस्टल निकाला है, मैंने निकालते उसने रस्ते में लोड किया, उसने बिल्कुल सीधा किया या ना अभी, तो उसको मैंने पकड़ लिया था उधर से ही ना, तो उसकी ऑटो गन थी, एक ही बार में उसकी सारी गोलियां निकल गई थी। यानी जो एक बस फायर होने की आवाज आई है वो इसी की गन से आई थी और आपने सुनी थी सारी गोलियों की आवाज जब इसकी गन से हुई है? जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है।